आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय टीम विजय रथ पर सवार है। बीते रविवार कोलकाता में खेले गए मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका को 243 रन के बड़े अंतर से हराया। भारत के 327 रन के टारगेट का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम महज 83 रन पर ऑल आउट हो गई। विराट कोहली ने इस मुकाबले में शानदार शतक जड़ा। मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने भी अपना बेहतरीन अर्धशतक जड़ने के साथ अपना बेहतरीन प्रदर्शन भी जारी रखा। श्रेयस अय्यर ने इस मुकाबले में 77 रनों की शानदार पारी खेली थी। श्रेयस की उस शानदार पारी को याद करते हुए पूर्व भारतीय खिलाड़ी मोहम्मद कैफ ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। दरअसल मोहम्मद कैफ का मानना है कि न विराट कोहली, न रोहित शर्मा और न ही केएल राहुल, बल्कि श्रेयस अय्यर हैं मौजूदा वक्त में भारतीय टीम के सबसे बेहतर स्पिन खेलने वाले खिलाड़ी। तो इस कड़ी में मोहम्मद कैफ ने स्टार स्पोर्ट्स पर बात करते हुए कहा, श्रेयस अय्यर स्पिन को बहुत बढ़िया खेलते हैं, मैंने आईपीएल में उनके साथ काम किया है। मेरे ख्याल से भारतीय टीम का कोई भी प्लेयर उनसे बेहतर स्पिन नहीं खेल सकता, क्योंकि वो सिंगल और डबल दोनों लेते हैं, साथ ही छक्के भी मारते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मिडिल ओवर्स में कितनी अच्छी स्पिन बॉलिंग हो रही हो, श्रेयस अय्यर अपनी तरफ से रनों की बौछार करते रहते हैं। श्रेयस अय्यर ने विराट कोहली के लिए भी बैटिंग आसान की थी। अब अगर श्रेयस अय्यर की अब तक की वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो श्रेयस अय्यर ने वर्ल्ड कप की अपनी पिछली 6 पारियों में सिर्फ एक अर्धशतक बनाया था, और इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने वापसी की। इन दोनों टीमों के खिलाफ श्रेयस अय्यर ने 85 ठोका। श्रेयस अय्यर ने श्रीलंका के खिलाफ तो 56 गेंदों पर 82 रन और साउथ अफ्रीका के खिलाफ 87 गेंदों में 77 रन की शानदार पारी खेली। वहीं अब वर्ल्ड कप 2023 में भारत के सफर की बात करी जाए तो भारतीय क्रिकेट टीम ने अपने घर पर खेले जा रहे आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में अब तक गजब का खेल दिखाया है। प्योर डोमिनेंस के साथ भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जैसी दिग्गज टीमों को धूल चटाई है। मैन इन ब्लू भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह भी पक्की कर ली है। इस टूर्नामेंट में भारत ने अब तक खेले अपने सभी 8 मुकाबले जीते हैं। अब सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम किस टीम के साथ भिड़ेगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। और क्या इस बार भारतीय क्रिकेट टीम अनबीटन रहकर बिना हारे वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर इतिहास रच पाएगी? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।